हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में। अगर आपके भी घर या दुकान में जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है तो उसकी आप बैलेंस को कैसे देख पाएंगे, कैसे किन किन माध्यम से जो है आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, आपकी कंजप्शन कितनी हो रही है, उसकी एक्टिविटी कैसे देखेंगे, कितनी पेमेंट आप कब कब किए हैं, सारी डिटेल्स आप बहुत आसानी से देख पाएंगे घर बैठे मोबाइल डेस्कटॉप लैपटॉप से। उसकी पूरी एक्टिविटी को आप देख पाएंगे, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको बिजली विभाग से रिलेटेड कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे मीटर लगवाते हैं, कैसे आवेदन लिखते हैं, कैसे लाइन कटवाते हैं, इससे रिलेटेड जो है वीडियो आपको देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बनी हुई है, उस पे जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बात करेंगे कैसे हम बिजली बिल को देख पाएंगे। देखिए, अगर आप बिहार के निवासी हैं, साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आपको सिंपली जो है SBPDCL की वेबसाइट पे आना होगा। इसकी वेबसाइट की लिंक जो है SBPDCL.co.in के वेबसाइट पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। व्यू एंड पे बिल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है जहाँ पे कंज्यूमर आईडी जो है आपको इंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर आईडी डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल्स जो है यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद जो है आपको पेमेंट करने की ऑप्शन आ जाती है। अगर आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं, NBPDCL.co.in आपको इंटर करना होगा। नॉर्थ बिहार का वेबसाइट ओपन होगा, वहां पे भी आपको इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। व्यू एंड पे बटन पे क्लिक करना होगा। यहां पे उपभोक्ता संख्या कंज्यूमर आईडी डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी अमाउंट यहां पे बैलेंस रहेगा वो आ जाएगा। यहां से आप पेमेंट कर पाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से पेमेंट कर देंगे। दूसरी माध्यम है, अगर आपके पास फोन पे इंस्टॉल है, आप अपने मोबाइल में फोन पे इंस्टॉल है, तो फोन पे के माध्यम से भी जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत आसानी से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करना उसके डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएंगे जहां से आप वीडियो देख के बहुत आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर पाएंगे। तीसरी माध्यम है गूगल पे। गूगल पे से जो है अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, बिजली बिल पेमेंट करना चाहते हैं, तो गूगल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फोन में गूगल पे इंस्टॉल है तो उस माध्यम वहां से भी जो है आप बिजली बिल को जमा कर पाएंगे, देख पाएंगे। उसके बाद पेटीएम है। देखिए, अगर आपके पास पेटीएम इंस्टॉल है तो पेटीएम के माध्यम से भी जो है आप बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। चौथी जो यहाँ पे माध्यम है वो CSE। अगर आपको मोबाइल से जो है ये सारी ऐप इंस्टॉल नहीं है, आपको नहीं करना आता है, तो जिनके पास CSE डिजिटल सेवा आपके मार्केट में जहाँ भी है वहाँ जाएंगे, CSE डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भी वो पेमेंट आपको कर देंगे। आपको सिर्फ उपभोक्ता संख्या ले जाना है, बस उसके बाद जो है उपभोक्ता संख्या डालने के बाद जो है आप CSE डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो है सहज। अगर सहज पोर्टल से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो सहज पोर्टल से भी आप जो है बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो ये सारी माध्यम है। अगर आपको किसी भी माध्यम से पेमेंट नहीं करना है तो नियरेस्ट आपका जो सेक्शन ऑफिस है वहां पे जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंज्यूमर नंबर लेके जाना है, वहां पे जाएंगे, काउंटर पे जाएंगे, वहां पेमेंट आप कर सकते हैं। तो इतनी सारी माध्यम है जिसकी मदद से जो है आप बिल को देख पाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे। आप किसी तरह का जो है डेली एक्टिविटीज के बारे में आपको जानना है तो इसके लिए एक जो है आपको ऐप भी स्मार्ट मीटर की जो है आपको मिल जाती है। जैसे इसके मेन पोर्टल पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप एंड्रॉयड और ऐप लोड करना चाहते हैं तो स्मार्ट मीटर कंज्यूमर जो है आप प्ले स्टोर में जो है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर टाइप करेंगे तो आप इस ऐप को जो है इंस्टॉल करेंगे। इसमें अकाउंट कैसे बनाना है उसके डिटेल्स आपको बता देते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे सिस्टम से ही आपको बताते हैं। इसकी विजिट जो वेबसाइट है उस पर हम जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का जो है ऐप यहाँ पे होती है। यहाँ पे हम बैक जाएंगे, यहाँ पे पोर्टल पे जाएंगे। तो पोर्टल पे आने के बाद जो है सिंपली क्या करना है आपको, बिजली बिल जो है आपका जो कंज्यूमर उपभोक्ता संख्या है वो यहाँ पे डालना होता है। देखिए
अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर से आप अकाउंट बनाए हैं, मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करके सारी एक्टिविटीज को आप देख पाएंगे कि कितना हमारा बैलेंस बचा हुआ है, कब कब हम रिचार्ज किए हैं, ऑल एक्टिविटी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है नया इंटरफेस इस तरह से ओपन होता है। यहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पे बिल रिचार्ज, यहाँ पे विदाउट अकाउंट बनाए हुए भी आप यहाँ से अपनी बिल को देख सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बना लेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा, अकाउंट जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको सारी एक्टिविटीज के बारे में जो है जानकारी मिलती रहे। देखिए इस तरह से इंटरफेस होता है, यहाँ पे ओपन होता है यूजर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर आपको टाइप करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी आपको टाइप करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाएगा, वो ओटीपी वेरीफाई करके जो है सिंपली आप अकाउंट बना पाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद जो है आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है। लॉग इन के लिए सिंपली आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड जो है डाल के जो है यहाँ पे लॉग इन कर लेना है और सारी एक्टिविटीज को जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो आपके घर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है, तो ये सारी जो है माध्यम से आप बिल को देख सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं, आपको कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि जो स्मार्ट मीटर लगा होता है वो आपको जब भी लाइट कटेंगी वो 10 से 3 बजे के लमसम जो है आपका लाइट कटेगी। अब देखिए यहाँ पे शाम में, रात में, सुबह में जो है लाइट नहीं कटती है, और जिस दिन हॉलीडे होते हैं, छुट्टी होती है, उस दिन भी आपका लाइट नहीं कटेगा अगर आपका बैलेंस खत्म भी हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा लाइट जो है रात में कट जाएगा या सुबह सुबह कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 10 से 3 बजे के लमसम जो है आपका लाइट कटेंगी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गई है तो। और रिचार्ज का बिल देखने का जो है पूरी प्रोसेस हमें बता दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। किसी तरह का क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।